ठीक है, वेलकम बैक दिस वॉच फ्रीक। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम मोस्ट फेमस लग्जरियस वॉच के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रोलेक्स के फाउंडर के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, इसके बाद में इसके इनोवेशन, इसके मेन में इवेंट, इंटरनल वॉच की प्राइस और हाई एंड वॉच की प्राइस, और इसके बाद में और भी बहुत सारे फैक्ट्स रोलेक्स के बारे में कि रोलेक्स इतने फेमस हो गए और सबसे ज़्यादा रोलेक्स का नाम क्यों जानते हैं लग्जरी वॉच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रोलेक्स के फाउंडर का नाम है हैंस विल्ड्रॉफ। हैंस विल्ड्रॉफ का जन्म हुआ था 1881 में जर्मनी में, और उसके बाद वो 90s में स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो गए, जहाँ पर उन्हें स्विस वॉच इंडस्ट्री का पता चला, और उसके बाद वो ब्रिटेन शिफ्ट हो गए। और 1922 में सिर्फ 24 उम्र की एज में ही उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ अल्फ्रेड डेविड के साथ मिलकर डिस्ट्रीब्यूटर का काम स्टार्ट किया लंदन में। इस बिजनेस में वो स्विट्जरलैंड से रिस्ट वॉच और कंपोनेंट इम्पोर्ट करते थे और उससे डिस्ट्रीब्यूट करते थे ब्रिटेन में। 90s की स्टार्टिंग में रिस्ट वॉच इतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी, उस टाइम मेंस पॉकेट वॉच यूज़ करते थे और रिस्ट वॉच सिर्फ लेडीज़ पहनती थी। लेकिन विल्ड्रॉफ को लगता था कि फ्यूचर में सभी लोग रिस्ट वॉच का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए उन्होंने स्टार्टिंग से ही रिस्ट वॉच पर ध्यान दिया। और फिर 1908 में उन्होंने सोचा कि अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो उन्होंने सिर्फ रिस्ट वॉच का स्टार्ट किया। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, रोलेक्स का नाम कहाँ से आया? जब कंपनी का नाम सेलेक्ट करना था 1908 में, तो विल्ड्रॉफ को एक शॉर्ट नेम चाहिए था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम 5 अल्फाबेट का नाम रखेंगे, और उन्होंने अलग अलग वर्ड का कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया। कोई भी नाम उन्हें पसंद नहीं आया। और फिर एक बार वो लंदन में सड़क पे घूम रहे थे, उस टाइम घोड़ागाड़ी हुआ करती थी, तब उन्हें रोलेक्स का आइडिया आया। स्टार्टिंग में ये स्विट्जरलैंड से कंपोनेंट इंपोर्ट करके उसे लंदन में असेंबल करके बेचते थे। रोलेक्स ने शुरुआत से ही अपने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ दिया, इसलिए उनको महज 2 साल के अंदर 1910 में स्विस क्रोनोमीटर सर्टिफिकेट मिला, जो कि फर्स्ट ब्रांड था रिस्ट वॉच का जिसको ये सर्टिफिकेट मिला था। वैसे आपको एक फैक्ट बता दूं कि ये जो सर्टिफिकेट था ये रोलेक्स का नाम ही था, ये था जीन एग्लर के नाम। एग्लर वो कंपनी थी जो रोलेक्स को मोमेंट प्रोवाइड करती थी। 1910 में सर्टिफिकेट उस कंपनी को मिला था जिसको 2004 में रोलेक्स ने खरीद ली थी। उस टाइम रिस्ट वॉच बहुत कम हुआ करते थे, तो इसलिए रोलेक्स फर्स्ट रिस्ट वॉच ब्रांड बना जिसको ये सर्टिफिकेट मिला। उसके बाद 1914 में ग्रेट ब्रिटेन ने भी उसे अपना क्वालिटी में क्लास सर्टिफिकेट दिया। उसके बाद 1919 में रोलेक्स शिफ्ट हो गए जिनेवा में। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में ग्रेट ब्रिटेन ने 33% की एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दी थी। रोलेक्स पूरी वॉच जो है वो स्विट्जरलैंड से इम्पोर्ट होती थी, और स्विट्जरलैंड एक इकलौती कंट्री था यूरोप में जो वर्ल्ड वॉर 1 में इफेक्ट नहीं हुआ था, और इसलिए रोलेक्स पूरी तरह 1990 में टैक्स बचाने के लिए पूरी तरह जिनेवा शिफ्ट हो गई। और 1920 में उन्होंने रजिस्टर किया मोंट्रेस रोलेक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से स्विट्जरलैंड में। तो बात करते हैं रोलेक्स के इनोवेशन और उसके अचीवमेंट के बारे में। तो रोलेक्स के पास लगभग 400+ पेटेंट है वॉच इंडस्ट्री में। हैंस विल्ड्रॉफ ने स्टार्टिंग से ही अपने इनोवेशन पर ध्यान दिया, जो उन्होंने इनोवेशन किया वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे वॉच इंडस्ट्री में। जैसे कि उन्होंने सबसे पहला इनोवेशन 1926 में किया था, जब उन्होंने फर्स्ट वाटर एंड डस्ट प्रूफ केस बनाया था, तो नाम दिया था उन्होंने ओलेस्टर। ओलेस्टर के इनोवेशन के एक साल बाद ही हैंस विल्ड्रॉफ को पता चला कि एक लेडी है जो इंग्लिश चैनल क्रॉस कर रही है, तो उन्होंने उसके पास पर्सनली जाके उन्हें ओलेस्टर वॉच दिया था कि आप ये पहन के आप क्रॉस करिए। मर्सिडीज ग्लेंस नाम की लेडीज फर्स्ट वुमन बनी जिन्होंने इंग्लिश चैनल क्रॉस किया, तो ये वर्ल्ड वॉर बन गया। और उसमें जब पेपर में आर्टिकल आया, उन्होंने जो वॉच पहनी थी वो रोलेक्स वॉच थी। एक्चुअली वॉच वर्क कर रही थी, उन्होंने इंग्लिश चैनल पर क्रॉस किया तब भी परफेक्टली रोलेक्स काम कर रही थी। तो यहाँ से रोलेक्स की पॉपुलरिटी स्टार्ट होना शुरू हो गई, और इसके बाद तो बहुत सारे स्पोर्ट्समैन और एक्टर्स ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे कि जो फर्स्ट पायलट थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे फ्लाइट पढ़ी, उन्होंने रोलेक्स पहना था। फर्स्ट एवर मैन जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे, उन्होंने भी रोलेक्स पहना था। उसके बाद में लगभग 485 किलोमीटर की स्पीड की कार चलने के रिकॉर्ड बनाने वाले मैल्कम कैम्बेल ने भी रोलेक्स पहना था। और सारी घड़ियाँ परफेक्टली वर्क कर रही थी इन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, तो यहाँ से रोलेक्स की बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी बनना स्टार्ट हुई। उसके बाद 1931 में रोलेक्स ने फर्स्ट परपेचुअल सेल्फ वाइंडिंग वॉच का इनोवेशन किया, और उसके बाद 1945 में फर्स्ट ऑटोमेटिक वॉच विद डेट, इसका भी पेटेंट और इनोवेशन उन्होंने रोलेक्स ने किया है, जो कि आज आप डेट जस्ट के नाम से जानते हैं। रोलेक्स ने 1956 में साइंटिस्ट के लिए वॉच बनाया जो कि मैग्नेटिक फील्ड को रिलीज कर सकती थी। उस टाइम सिर्फ मैकेनिकल वॉच हुआ करती थी। साइंटिस्ट लोग जब लैब में जाते थे वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होते थे, जिससे कि घड़ी काम करना बंद कर देती थी या फिर इनकरेक्ट टाइम बताती थी। तो रोलेक्स ने वॉच बनाया जो लगभग 1000 गॉस तक मैग्नेटिक रेजिस्ट कर सकती थी। 1953 में रोलेक्स ने सबमरीन लॉन्च किया, जो कि बहुत अच्छी वॉच बनी डाइवर्स के लिए, क्योंकि ये 300 मीटर तक वाटर रेजिस्टेंट थी। और 1960 में उन्होंने डीप सी मॉडल लॉन्च किया, और डीप सी पहले से वॉच बनी तो 10,000 मीटर समुद्र के अंदर भी वर्क करती थी। डीप सी की बाद के मॉडल ने 2012 में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया लगभग 12,000 मीटर तक समुद्र में जाके वर्क करने का, जिसे ओमेगा के अल्ट्रा डीप ने 2019 में तोड़ दिया था। इसके अलावा बहुत सारे रिकॉर्ड से रोलेक्स के और अचीवमेंट है, लेकिन उसका अगर मैं पूरा लिस्ट बताऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब बात करते हैं रोलेक्स के मटेरियल्स के बारे में। रोलेक्स अलग अलग मटेरियल के वॉच बनाती है, जैसे कि स्टेनलेस स्टील, प्लेटिनम, डायमंड, गोल्ड। रोलेक्स का एक्चुअली जो स्टील है वो खुद का पेटेंट है। इसका ग्रेड है 904L स्टील ग्रेड, जो 2018 में जैसे ओलेस्टर स्टील नाम दे दिया गया।
तो ओलेस्टर स्टील रोलेक्स का खुद का पेटेंट स्टील है जो कि सभी वॉच में स्टील वॉच में ये यूज़ करते हैं। मोस्टली जो अदर ब्रांड होते हैं जो स्टेनलेस यूज़ करते हैं उनका ग्रेड होता है 316L, लेकिन रोलेक्स यूज़ करता है 904L जो कि इनका खुद का पेटेंट है। और अगर गोल्ड की बात किया जाए तो गोल्ड का भी इनका खुद का पेटेंट है, इनमें एक अलग टाइप का गोल्ड इस्तेमाल किया जाता है जो कि सिर्फ रोलेक्स वॉच में मिलेगा आपको। रोलेक्स एक्चुअली ऑटोमेटिक वॉच बनाती है, लेकिन 1969 के बाद जब कॉर्ड्स क्रिएशन हुआ रोलेक्स ने भी कॉर्ड्स का कुछ प्रोडक्ट बनाया था, तो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए बिकॉज रोलेक्स फेमस थे क्वालिटी के लिए, इसके क्राफ्टमैनशिप के लिए और उसके प्रिसिशन के लिए। अगर रोलेक्स का टाइम एक्यूरेसी बात करते हैं तो 90s में भी उसका टाइम एक्यूरेसी था प्लस माइनस 2 सेकंड पर डे, जो 90s में बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वॉच मानी जाती है। और आज भी रोलेक्स का जो एक्यूरेसी है वो कई मॉडल में तो इससे भी कम है। रोलेक्स के पास 2004 तक की इनहाउस मूवमेंट नहीं था। अगर आपको पता नहीं इनहाउस मूवमेंट क्या होता है तो आपको बता दूं, अगर कोई वॉच ब्रांड खुद का बनाया मूवमेंट यूज़ करता है तो उसको बोलते हैं इनहाउस मूवमेंट। जैसे कि बहुत सारे लग्जरियस ब्रांड है जो इनहाउस मूवमेंट यूज़ करते हैं, पर रोलेक्स 2004 तक के पार्ट दूसरे कंपनीज खरीद के अपने वॉच में लगाता था। और मोस्ट ऑफ द मॉडल के जो मूवमेंट होते थे वो आते थे एग्लर स्विस कंपनी से, एक्सेप्ट डेटोना, बिकॉज डेटोना एक स्पोर्ट्स वॉच थी और स्पोर्ट्स वॉच में यूज होता था जिनेथ एल प्रिमोरो जो कि एक लेजेंडरी मूवमेंट था। और 2004 में रोलेक्स ने एग्लर वॉच कंपनी को खरीद लिया, इस तरह उन्होंने 2004 से सारे मोमेंट इनहाउस मूवमेंट हो गया। अब बात करते हैं इसके करंट सिचुएशन की, तो करंट में रोलेक्स अगर 2018 के फोर्ब्स की लिस्ट माने तो मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स में 71 नंबर पर था वर्ल्ड में। अगर रेवेन्यू की बात करें तो 2018 में इसका रेवेन्यू $5.2 बिलियन था, 2016 में इसका रेवेन्यू $4.2 बिलियन था। उसके अलावा टुडोर भी जो है वो भी रोलेक्स की सब्सिडी कंपनी है। 1926 में हैंस विल्ड्रॉफ ने टुडोर लिस्ट किया था, उन्होंने रोलेक्स के साथ में टुडोर बनाया था। और टुडोर भी आप देखोगे तो बहुत सी चीज़ें कॉमन दिखती है रोलेक्स की, बिकॉज ये सिस्टर कंपनी है रोलेक्स की, लेकिन दोनों कंपनी ओन करती है सेम फाउंडेशन से जो कि है हैंस विल्ड्रॉफ फाउंडेशन। अगर शेयर होल्डर की बात करें तो रोलेक्स का कोई भी शेयर होल्डर नहीं है और कोई भी इसके मालिक ऑनर नहीं है, बिकॉज हैंस विल्ड्रॉफ फाउंडेशन ये जो है ये ओन करता है रोलेक्स। रोलेक्स की हर एक वॉच जो होती है वो COSC सर्टिफाइड होती है, सुपरलेटिव क्रोनोमीटर सर्टिफिकेशन। वॉच इंडस्ट्री में बहुत कम ब्रांड है जो सर्टिफिकेशन ले पाते हैं और रोलेक्स अपनी हर वॉच पे सर्टिफिकेट लेता है, तो आप सोच सकते हो कि क्वालिटी कितनी अच्छी होती है। आज भी रोलेक्स की सारी वॉचेस जो है वो हैंड क्राफ्टेड होती है, बहुत कम मशीनरी होता है, लेकिन मैक्सिमम काम जो है वो हाई स्किल वॉच मेकर्स द्वारा किया जाता है। एन एवरेज रोलेक्स की एक वॉच को फैक्ट्री से मार्केट में आने के लिए कम से कम 10 से 12 महीने लगते हैं। बात करते हैं रोलेक्स सबसे डिमांडिंग वॉच की, तो सबसे डिमांडिंग वॉच जो आज भी है रोलेक्स की वो है डेटोना। डेटोना वॉच रोलेक्स की इकलौती स्पोर्ट्स वॉच है और ये वॉच आज भी बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है। डेटोना के अलावा रोलेक्स है GMT मास्टर 2 जिसको आप निकनेम पेप्सी और बैटमैन के नाम से जानते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है। रोलेक्स के मॉडल्स की बात करें तो रोलेक्स के पास बहुत ज़्यादा मॉडल्स नहीं है। रोलेक्स ने कभी भी टॉबलिन का इस्तेमाल नहीं किया, कभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का इस्तेमाल नहीं किया, हमेशा सिंपल रखा अपने वॉच। लेकिन इसके फैंस इतने ज़्यादा हो गए, हर स्पोर्ट्स पर्सन, हॉलीवुड बॉलीवुड एक्टर के पास में ये खरीदती थी। गाड़ी इतना टाइम क्या देख रहा है? रोलेक्स है, रोलेक्स, वो भी ओरिजिनल, 24 कैरेट गोल्ड डायमंड स्टडेड, 2.5 लाख की है। इसके अलावा रोलेक्स बहुत सारे स्पॉन्सरशिप करता है इवेंट्स को, जैसे कि टेनिस के जो टूर्नामेंट होते हैं ग्रैंड स्लैम, जैसे विंबलडन, US ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, इस सब को स्पॉन्सर करता है। इसके अलावा F1 का भी ऑफिशियल टाइम के ऊपर रोलेक्स ही है। और बड़े बड़े गोल्फ के जो टूर्नामेंट होते हैं, जो याच टूर्नामेंट होते हैं, उसमें भी रोलेक्स स्पॉन्सर करता है। अगर एक वेबसाइट के माने तो रोलेक्स में लगभग 60% मार्जिन होता है उसके प्राइस में। मटेरियल यूज़ हो रहा है वो उनका खुद का पेटेंट का मटेरियल है और एकदम हाई क्वालिटी का यूज़ किया जाता है मटेरियल। जो टेस्टिंग होती है आप सोचिए 10 से 12 महीने लग जाते हैं मटेरियल को बनने से मार्केट में आने में, इतनी टेस्टिंग होती है। तो रोलेक्स पे जो मार्जिन होता है वो 60% होता है अकॉर्डिंग टू वन वेबसाइट। ये बात बहुत कम लोग को पता होगा, लेकिन रोलेक्स का स्लोगन भी है, रोलेक्स का स्लोगन है अ क्राउन फॉर एवरी अचीवमेंट। अब बात करते हैं रोलेक्स की करंट एंट्री लेवल वॉच के प्राइस और हाई एंड वॉच के प्राइस। तो रोलेक्स की जो प्राइस होती है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होते रहता है, बिकॉज रोलेक्स जो वॉच प्राइस होती है वो US डॉलर में होती है और इसमें हर कंट्री में प्राइस अलग अलग हो सकती है, बिकॉज हर जगह इंपोर्ट टैक्स ड्यूटी अलग अलग होता है। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो एंट्री लेवल वॉच है वो है पॉलिस्टर परपेचुअल, जो कि लगभग $5,000 के आसपास मिल जाता है। आयना में देखो तो लगभग 3 लाख के आसपास। इसमें 10-20% का फ्लक्चुएशन हो सकता है, बिकॉज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर इसे अलग अलग डिस्काउंट में देते हैं। तो रोलेक्स ओलेस्टर परपेचुअल जो है वो इंट्री लेवल वॉच है। कुछ साल पहले तक इंट्री लेवल वॉच इसकी एयर किंग थी, जो कि ओनली $1,000, मतलब लाइक 2 लाख के आसपास की वॉच थी। इट्स ऑल सप्लाई एंड डिमांड। अगर हाई एंड की बात करें तो रोलेक्स सबसे महंगी जो वॉच है जो आप खरीद सकते हैं वो है GMT मास्टर 2 डायमंड आइस। ये वॉच जो है ये फुल्ली डायमंड वॉच है और GMT मास्टर 2 मॉडल है। तो इस वॉच की प्राइस है इंडियन रुपीज़ में बात करूँ तो ये लगभग 3 से 3.5 करोड़ रुपये की वॉच है।
तो अगर मैं एवरेज लेता हूँ तो लगभग 2.5 से 3.5 में आपको उसकी स्टार्टिंग प्राइस मिल जाएंगी, जो अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्राइस मिलेंगी। और हाई एंड की बात करें तो 3 से 4 करोड़ तक इसके हाई एंड है, जो GMT मास्टर 2 डायमंड आइस का प्राइस है। लेकिन ये भी सबसे महंगी वॉच नहीं है। सबसे महंगी रोलेक्स की बात करें तो सबसे महंगी रोलेक्स वॉच है रोलेक्स डेटोना। ये वॉच ऑक्शन हुई थी लगभग 135 करोड़ में। अगर USD की बात करें तो 17.75 मिलियन USD में ये वॉच नीलाम हुई थी। और ये वॉच की खासियत थी, ये जो वॉच थी वो पॉल न्यूमैन की थी, जो कि अमेरिकन ड्रेसर एक्टर प्रोड्यूसर है। तो अब बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के बारे में। तो रोलेक्स के 4 प्लांट है स्विट्जरलैंड अलग अलग लोकेशन पे, और जिनोवा में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि एक का ओनर जो है वो है हैंस विल्सन फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट रोलेक्स। वैसे रोलेक्स पर अगर बात करना चाहूँ तो मैं तो 2-3 घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन टाइम कम है। तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे पैटर फिलिप पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।